उनके कार्यकाल के अंदर एक बार भी दर्शन करने का सौभाग्य सहयोग नहीं बना था, तो उनकी स्वीकृति आ गई है और काम बड़े जोर शोर से चल रहा है और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के विकास में एक। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुष्कर आज के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता है, वो काइड विश्राम स्थली के अंदर सभा करने 31 तारीख को आ रहे थे। तीर्थराज पुष्कर के सभी पुरोहितों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनसे, पीएमओ से निवेदन किया कि आप ब्रह्मा जी के दर्शन करने पधारे, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर एक बार भी दर्शन करने का सौभाग्य सहयोग नहीं बना था, तो उनकी स्वीकृति आ गई है और काम बड़े जोर शोर से चल रहा है और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के विकास में एक नया आयाम स्थापित होंगे, नए पंख लगेंगे और इससे सभी हर्षोल्लासित है। क्या प्रोग्राम हम का प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, सरोवर पूजा करेंगे और फिर विश्राम का जो सभा को संबोधित। टेंटेटिव समय आने का कुछ? देखिए, अभी वहाँ से प्रोग्राम अधिक जारी नहीं हुआ है, लेकिन समय तो दिन का ही रहेगा। जानकारी मिली है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्कर आज उज्जैन अभिषेक के लिए पधार रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कब आएंगे? और 31 मई का सुनने में से आ रहे हैं, 31 मई 2023 को आना है और टाइम वगैरह मुझे मालूम नहीं है, जो भी होगा। आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे अभी प्रशासन के द्वारा ही जानकारी हुई थी कि मोदी जी पुष्कर आ रहे हैं और पहले पूर्व में भी मेरे पास में 25/11/2000 को मोदी जी आके पूजा करते गए हैं। उस टाइम राष्ट्रीय महासचिव थे, नगर पालिका के पश्चिम सूर्य मेरे पास में पधारे थे और मैंने पूजा अर्चना करवाई थी। आपका नाम? मेरा नाम हरी भाई हरगोपाल, ब्रह्मघाट।